तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स की जल्द इजराई की दरख्वास्त से एक नई अपडेट आई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत से कहा है कि वो धान की खरीदारी और उससे मुतालिक मामलात का वाज़े तरीक़ेकार वज़ा करेंगे। हुक्मरान कांग्रेस पार्टी के अरकान वी मनोहर रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमों के ग्रांट पर कानून साज असम्बली में बहस का आगाज किया। उन्होंने नए राशन कार्ड्स की जल्द इजरा की दरख्वास्त की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक हुकूमत ने जनूबी तेलंगाना के साथ इम्तियाज सलूक रखा है, ये कहते हुए कि विकाराबाद जिला की फीकस आमदनी तमाम अजला से कम है। जिला में 1970 की दिहाई में बनाए गए 3 प्रोजेक्ट इस वक्त देखभाल न होने की वजह से आधे आधे हिस्से को भी बाकी फराहम करने से खासिर है। हुक्मरान पार्टी के रुकन विमुला वेरशम ने कहा कि पिछले 10 सालों में 4000 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है और पिछली हुकूमत के गैर साइंसी पॉलिसियों की वजह से रायतु बंधु स्कीम पर मुनासिब अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से कहा कि वो किसानों को फायदा पहुँचाने के लिए इकदाम करे। उन्होंने किसानों की तरह बैंकरों के 50,000 करोड़ रुपए के कर्जे करने की भी ख्वाहिश की। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें शमा न्यूज के साथ।